गाइस, हर कोई चाहता है परफेक्ट ग्लोइंग स्किन पाना, बट हम में से कोई परफेक्ट स्किन से ब्लेस्ड नहीं होते हैं और बहुत मुश्किल है कि हमें वहां तक पहुंचना, स्पेशली जब एक्ने, सन टैन, पिगमेंटेशन, ये सारे चीज़ से डील करना पड़ता है। हमारे स्किन बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए एक्सपेंसिव फेसियल क्रीम ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। बस कुछ स्किन केयर टिप्स और हेल्दी लाइफस्टाइल जो टाइम के साथ विजिबल रिजल्ट दे, वो रेगुलरिटी से हम लोग मेंटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल में हम लोग फॉलो करें। स्किन बेनिफिट फूड, स्किन फ्रेंडली फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होके इंस्टेंटली स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन को नारिश करता है। इसके लिए विटामिन ई, विटामिन बी वन, बी टू, B6, B12, C, D, E, K एंटीऑक्सीडेंट फूड डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते हैं या फिर हेल्दी फूड आप खाते नहीं हैं अपने डाइट पे, चाहे जितना भी आप एक्सपेंसिव क्रीम लगा ले, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे बॉडी पे दिखता है। हम अलग अलग डाइट को फॉलो करके, हेल्दी लाइफस्टाइल को ऐड करके अपने लाइफ में अपनी स्किन को बहुत अच्छे कर सकते हैं। फास्ट फूड, बाहर के जो पैकेजिंग फूड, ये सारी चीज़ को हमारे डाइट पे इंक्लूड ना करें, क्योंकि इसके स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। डाइट में इंक्लूड करें जो कोलेजन को आपका बैलेंस करे, आपके डाइट को अच्छे से आप फॉलो करें। आप ये ध्यान रखें कि आप जो खा रहे हैं वो आपके स्किन में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। विटामिन सी को अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि आपके स्किन भी आपको ग्लोइंग दिखेगा जब आप अपने स्किन में भरपूर विटामिन सी को ऐड करेंगे। तो विटामिन सी के लिए हम लोग हमारे घर पे किचन में बहुत सारे ऐसे फूड मिल जाते हैं एंड बहुत ही रीजनेबल है, जिससे हमारे बॉडी में हम लोग विटामिन सी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप पूरा दिन में कितना विटामिन सी इंटेक कर रहे, चाहे लिक्विड में भी करें या फिर आप कुछ और भी फल फ्रूट ले सकते हैं जिसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी होता है। विटामिन सी आप अगर ऐड करेंगे तो आपके इंटरनली आपके स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, आपका पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, आपको इंटरनली ग्लो दिखने मिलेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके स्किन का क्वालिटी और टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो आपको फ्रूट हो, लिक्विड हो या फिर कोई भी खाना हो, आप ध्यान रखें कि विटामिन सी आप दिन में कितना ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ले, डाइट को चेंज कर करके ले, फूड कभी विटामिन सी ले ले, कभी और विटामिन, विटामिन सी बहुत से फूड में होता है तो आप अल्टरनेट करके भी आप ले सकते हैं। एंड विटामिन सी का अगर बात आए तो टोमेटो सूप को हम कैसे भूल सकते हैं। पूर्ण विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपका स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगा एंड आपको एक्ने, पिगमेंटेशन से भी टाटा भाई भाई मिल जाएगा। तो विटामिन सी को ज़रूर इंक्लूड करें। आप चाहे तो विटामिन सी का सूप बना के भी पी सकते हैं या फिर जूस भी पी सकते हैं। आप टोमेटो में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, या फिर आप कभी कभी टोमेटो को भी एज ए फेस पैक भी अपना फेस पे भी लगा सकते हैं। इसमें विटामिन सी है, एंटी ब्लीच प्रॉपर्टी है, जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप विटामिन सी को अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूड करें। विटामिन सी खाने के साथ लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बिगिनर है तो हमेशा परसेंटेज आप कम ही लगाइए, क्योंकि विटामिन सी का परसेंटेज अगर एकदम से आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी स्किन में इरिटेट हो सकता है, रैश हो सकता है, रेडनेस दे सकता है और आपको स्किन को डल भी कर सकता है। तो हमेशा आप लो परसेंटेज से ही अपना स्किन केयर शुरू करें। विटामिन सी मैं कभी भी डे टाइम में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे
सपोर्ट नहीं करता और मेरा स्किन भी डल लगता है, क्योंकि विटामिन सी एक एक्टिव है, सो हमेशा रात में लगाना ही बेस्ट होता है। पर आप टू टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी कभी सन्स में जाती हूँ तो मुझे डायरेक्ट सन को फेस करना पड़ता है, तो इससे मेरा स्किन डल लगता है। तो इसलिए मैं डे टाइम में लगाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नाइट में लगाती हूँ। और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अगर इसको आप रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करेंगे तो आपका डार्क स्पॉट को भी दूर करता है, पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है, एक्ने स्कार को भी दूर करता है और आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रेडियंस लगता है, आपके रिंकल्स को भी कम करता है और आपके स्किन का टेक्स्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर विटामिन सी लगा रहे हैं तो आप कोई भी और एक्टिव चीज़ ना लगाए, और विटामिन सी को आप दो बार भी लगा सकते हैं आराम से, पर मैं एक बार लगा रही हूँ तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विटामिन सी लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करता है और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टिप, फेशियल योगा एक्सरसाइज। फेशियल योगा एक्सरसाइज से आपके मसल बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। गाइज, ये मैं कुछ टाइम से तो कर रही हूँ और इससे मेरा बहुत हेल्प मिला है, खास करके मेरे एक्ने में बहुत ज़्यादा इसने हेल्प किया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फेशियल योगा एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो लगता है, एंटीऑक्सीडेंट का फ्लो को बहुत इंक्रीज करता है और आप बहुत ज़्यादा यंगर लगते हो, आपके रिंकल्स भी रिड्यूस होता है, आपके स्किन को एक टोन मिलता है। अगर आपको डबल चिन भी हो तो वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो सकता है, और डे बाय डे देखोगे आपके स्किन का टेक्सचर कितना इम्प्रूव हो रहा है और आप बहुत ना काम रहते हो। अगर आप 10 मिनट भी दिन में कभी भी टाइम निकाल के करते हैं और इसको रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा कट डाउन करता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है। आप जब भी एक्सरसाइज करोगे थोड़ा सा कोई सॉफ्ट म्यूजिक को लगा देना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप अगर मॉर्निंग में करना चाहो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, मैं तो मॉर्निंग में ही करती हूँ, पर आपको अगर टाइम नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हो। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इससे आपको सच में आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टिप है हाइड्रेशन, जो कि सबको पता है। सो 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सच सच बताना कौन कौन मेंटेन करता है। सो रेगुलर पानी ज़रूर पिया करें, एंड लिक्विड जो डाइट है उसको भी अपने रूटीन पे ज़रूर इंक्लूड करें, इससे आपका हेयर और स्किन दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट टिप, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एज ए फ्रेंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, गाइज प्लीज़ अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें। एक्सरसाइज करने से आपको स्वेट होता है, जिसके कारण ऑयल डर्ट्स आपके सारे निकल जाते हैं, आपके स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगता है, आपके पूरा बॉडी में बहुत अच्छे से कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, आपके स्ट्रेस को भी बहुत हद तक रिड्यूस करता है, और एक्सरसाइज करने से आपके ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा फिट तो रहता ही है, उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा से एक्टिव फील करोगे, फ्रेश फील करोगे। और एक्सरसाइज करने से हमारे स्किन, हमारे हेयर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो अपने रूटीन में ज़रूर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। नेक्स्ट टिप है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो डेली लाइफ का पार्ट है जो हम सब फेस करते हैं, पर स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जाए? आपने देखा होगा स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होता है, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल होता है, और इससे पहले हम लोग एजेड देखना शुरू हो जाते हैं। तो 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अपने आप को काम रखना, मेडिटेशन करना, आपके घर पर अगर कोई पेट है तो उसके साथ आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते, बुक रीड कर सकते, ये सारे चीज़ करने से आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, आपके ओवरऑल हेल्थ, स्किन, हेयर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सो ये छोटे मोटे टिप्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।